अभी ना मैं YouTube देख रही थी, रात के बज रहे 12, और 1 घंटा पहले ना एक YouTube, मतलब मैं देखती हूँ ना, तफरी करती हूँ। 12 बजे के बाद मेरा यही काम है कि अगर थोड़ा सी भी वक्त मिले तो मैं YouTube देखूँ। तो आज मैं ना सही मायनों में ये पूछना चाहती हूँ पूछना नहीं, बोलना चाहती हूँ कि यार, मतलब मचा दिया आप लोग ने सच्ची में फैमिली की असली वैल्यू अपने शब्दों में, और मतलब बवाली क्या ये यूट्यूब यूट्यूब, सही में आप लोगों ने ना सच में बोल दिया। मैं बात कर रही हूँ शोएब इब्राहिम ऑफिशियल चैनल की, जिसपे दीपिका कक्कड़ ने मचा दिया। क्या बोली औरत, मतलब मेरा दिल खुश जब नाजिया बोले मत देखो वो 20% लोग जिसको फैमिली की खुशी में सेक्रीफाइसेस पसंद नहीं है, वो 20% लोग जो निगेटिव कमेंट करके फैमिली तोड़ने आ जाते हैं, वो 20% लोग जो खुद खुश नहीं रहते और दूसरे की खुशी बर्बाद करने आते, वो 20% लोग जो फैमिली, अपनी फैमिली चाहे मायका हो ससुराल हो, उसके लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहे, उसमें तुम नुक्स उठाने आ जाते हो, और वो 20% लोग, वो 20% वही 20% है जो ये सब करते हैं। यार क्या बोली दीपिका कक्कड़, दिल जीत लिया उसने कसम से। आज उसके शब्द और उसका बोला हुआ बर्ताव सेम टू सेम मेरे जैसा लगा मुझे। आपको एक वीडियो लगा दूंगी यहाँ पे, आप लोग वॉच कर लेना। इंसान जब तक हमें ट्रोल करता है तब तक हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अगर फैमिली पे बात आ जाए, अरे बेचारी से ये करा रहे, है बेचारी से वो करा रहे, ये आप सोच रहे वो बेचारी है कि नहीं, पहले उससे पूछो तो सही फैमिली में उसको कितना प्यार मिल रहा है, कितनी अहमियत मिल रही है, कितनी उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, वो जानती है। उसने कभी कैमरे पे आके बोला अरे मैं बेचारी हूँ मेरे साथ ये हो रहा, नहीं ना। आप ही लोग अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी कर लेते बिचारी बना के। तो आज दीपिका कक्कड़ ने जो जवाब दिया ना, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग पॉजिटिव कमेंट करने वाले, जो मुझे प्यार करने वाले, हमेशा ये बोलते रहे नाजिया बाजी इग्नोर करो, सलमान खान शाहरुख खान बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लोग ट्रोल करते वो लोग रिप्लाई नहीं करते। जी हाँ, तो आज मेरे पास जवाब है ये चीज़ देने का। मैं ये वीडियो इसलिए बता रही हूँ, जो मेरे पॉजिटिव कमेंट, जो मुझे प्यार करने वाले मुझे बोलते ना नाजिया बाजी इग्नोर करो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग को लोग क्या क्या बोलते हैं, वो लोग चुप रहते, तो कहीं ना कहीं दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम भाई तो ठीक है, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट है कि वो बहुत अच्छे हस्बैंड है, लेकिन दीपिका कक्कड़ कहीं ना कहीं एक सेलिब्रिटी है, बट उनकी एक्टिंग पे कोई उनको ट्रोल करता है, उनके सीरियल पे कोई उनको कुछ बोलता है, या उनका कुछ भी जो टीवी पे दिखता है उस पे कोई कुछ बोलता है तो वो उस पे रिएक्ट नहीं करेंगे, बट जहाँ उनकी रियल लाइफ पे कुछ बोला गया तो वो खुद बोर आ गए, उन्होंने एक नंबर जवाब दिया। मतलब मैं तो दिल खुश एकदम लाजवाब, मुझे तो एकदम मज़ा आया ना, इतना पसंद आया ना, ऐसा लगा सच में यार, सच में वो एक हाउस वाइफ है, इतनी प्यार करती है अपनी फैमिली को। जब वो एक एक्टर होके अपने रियल लाइफ पे किसी के टोंट किसी के टिप्पणी को नहीं सुन सकते, तो मैं तो फिर भी एक नाजिया हूँ, छोटी सी एक यूट्यूबर, वो कैसे सुन ले। हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार किया मुझे, जो मुझे बड़ी यूट्यूबर बड़े का दर्जा दिए, तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ 4 प्यारे मीठे कमेंट हम पे असर छोड़ जाते हैं कि नाजिया बाजी हम आपको प्यार करते हैं, वैसे ही एक बुरा कमेंट, गंदा कमेंट कि हाय तुम्हारे वजह से वहाँ ऐसा हो रहा है, तुम्हारे वजह से वो सफ़र कर रही, तुम्हारे वजह से वो ऐसा हो रहा है, तो वो चीज़ बहुत तकलीफ़ देती है। फैमिली इज़ फैमिली, फैमिली के लिए सेक्रीफाइसेस बहुत ज़रूरी होते हैं, फैमिली के लिए मोहब्बत जतानी नहीं पड़ती, वो महसूस की जा सकती है और वो फैमिली वाले ही कर सकते हैं। बाकी ये 2% जो शोएब इब्राहिम भाई के चैनल पे मैंने जो देखी ना, मज़ा आ गया। देखो मैं आज यहाँ सिर्फ तारीफ करूँगी दीपिका कक्कड़ की, ठीक है भाई साहब, माँ कसम सेम टू सेम मेरे जैसा बोले, बल्कि वो सेलिब्रिटी और मैं मुंबई के झोपड़पट्टी की लड़की हूँ, ठीक है, लेकिन बात तो उन्होंने वही की जो मैंने की, भले तरीका अलग होगा, बल्कि इतना भी गंदा तरीका मेरा नहीं होता, सेम टू सेम होता है, बड़ी जज्बाती होकर मैं भी ताड़ तोड़ पत्थर तोड़ देती हूँ, और उन्होंने भी वही किया, ठीक है। तो यही होता है जब फैमिली पे कोई बोलता है ना, तो बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे फिर हम मेरे जैसी कोई लड़की हो। दिखा हम ब्लॉगिंग मतलब एक्टिंग नहीं है बाबा, और ये सिर्फ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना मेरे को वो याद आ गया जब मैंने अपनी फैमिली के लिए बोला कि मैंने उनको पकड़ के नहीं लाया, मैंने उसको पकड़ के नहीं लाया, हमने कंधे पर डाल के नहीं लाया, अगर मैं वहाँ, मतलब मेरे चैनल पे 2-3 वीडियो ऐसे बने हैं इन हेटर्स के लिए जिन लोगों ने साला मुझे विलन बना दिया और लोगों को अबला और अबलाया बना दिया। फैमिली में सेक्रीफाइसेस मैटर करते हैं, और चाहे जो कुछ आपको कैमरे पर दिख रहा है वो
अलग दिखता है, लेकिन जो हम कौन सी भावना से कर रहे हैं, किस श्रद्धा से कर रहे हैं, अभी हिंदी वर्ड मिला मुझे तो मैंने उसको यूज़ किया, ठीक है, सोचने का टाइम नहीं है मेरे पास, तो मेरे को वो चीज़ अच्छी लगी। मैंने भी अपने वीडियो में बोला फैमिली से बढ़ के यूट्यूब नहीं है, और उन्होंने भी अपने वीडियो में यही बोला, चाहे दो लोग देखें लेकिन सच्ची भावना और सच्चे प्यार से देखें तो हम वो दो लोग के लिए वीडियो डालेंगे। और मैंने अपने वीडियो में भी यही बोला था कि भाई साहब अगर आपको मैं और मेरी हरकतें या मेरी बातें नहीं पसंद तो ना देखें, लेकिन फैमिली में फूट मत डालो, फैमिली से बढ़ के चैनल नहीं होता। और भाई भाई मेरी भाई भाभी लोग ने भी यही बोला, देखो मैं अभी तक के उन लोग को भाई भाभी नहीं बोलती थी, सच्ची बोल रही हूँ। अगर कोई मेरी, अगर दीपिका कक्कर ये वीडियो देख रहे हैं या शोएब और इब्राहिम ऑफिशियल ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को एज अ सीनियर देख रही थी लेकिन भाई भाभी के रूप में नहीं देख रही थी। लेकिन आज मैं आप लोगों को सच्चे दिल से बोल रही हूँ, जहाँ मैंने दीपिका कक्कर को सुना नहीं, ये बोलते रहे कि फैमिली के लिए सब कुछ करना पड़ता है, माँ जिंदगी में मेरी इज्जत है ना वही लोगों के लिए है जो अपनी फैमिली के लिए जीते और फैमिली के लिए सेक्रीफाइसेस करते। बट ये 20% लोगों के लिए जो बात आप लोगों ने की ना, वो 20% लोगों को तो मैं ना पहले ही राशन पानी देती रहती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं बुरी हो जाती हूँ कि तुमको बात करने का तरीका नहीं है, तुम ऐसा बोलते। लेकिन भाई जब फैमिली पे आती है ना तो बात करने का तरीका कहाँ जाता है पता नहीं चलता है, क्योंकि हम जो है हम हैं। लेकिन जो फैमिली समझते हैं ना, अपनी फैमिली को अपन जानते हैं बचपन से, ये लोग थोड़ी देखने आ रहे हैं कि अपन ने क्या किया क्या नहीं किया है ना, ये लोग तो अभी देख रहे हैं 2-3-4 साल से। ठीक है, वो 20% लोगों के लिए आपने वीडियो बनाया था, वही 20% लोगों के लिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको, इसलिए नहीं कि आप अपनी फैमिली के लिए लड़ रहे, इसलिए कि है ना जब मैं एक लोकल लड़की, एक झोपड़पट्टी की, मुंबई की झोपड़पट्टी की लड़की बोलती थी ना, तो लोग बोलते थे तुझे बड़ा घमंड आ गया, ईगो आ गया, हम लोग से व्यू मांगती थी, हम लोग से ये सपोर्ट मांगती थी, और आज इतना बढ़ चढ़ के बोल रही है। तो लेकिन मैं अभी भी बोलूँगी वो 80-90% लोगों को थैंक यू सो मच एंड आई लव यू, और हमेशा आप मेरी दुआओं में रहोगे। लेकिन वो जो 1%, 2%, 10%, 20% जो भी मुझे फैमिली को तोड़ने वाली बात करते ना, उन लोगों को तो मैंने पहले ही बोला टाटा बाय बाय, पहले मिनट पर निकलो नहीं तो मैं अपने डस्टबिन में डालती। ये बात मैं तो अभी कर रही हूँ, लेकिन उन लोगों ने आज किया ना, मैं ऐसा सोच रही हूँ फिर मैं तो कभी कहीं गलत नहीं थी कि अगर अपनी फैमिली के बारे में अगर नेगेटिव कमेंट सुनूं तो फिर लड़ने का तो हक है। जब मुझे दबाया गया, मुंबई की झोपड़पट्टी की लड़की को दबाया गया, तो आज वो सेलिब्रिटी है जिनको बोलते हो तुम सेलिब्रिटी इग्नोर करते। भाई सेलिब्रिटी एक्टर थे ना, जब तक इग्नोर करते, एक्टिंग में इग्नोर करते, प्रोफेशन में तो हम भी अपने मैनेजर की गाली सुन के बैठते, प्रोफेशन अलग होता है, प्रोफेशन में गाली सुनने के हम लोग को ठेका पड़ा हुआ है, लेकिन प्रोफेशन एक तरफ, पर्सनल लाइफ एक तरफ। हाँ हम लोग सोशल मीडिया एक फेस है, बट फैमिली के लिए आप लोग ट्रोल नहीं कर सकते, वो चीज़ मैं क्या बोलूँगी। आई अप्रिशिएट, अगर मेरी वीडियो अभी भी आप लोगों को नहीं समझती ना, तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ वो वीडियो देखो, शोएब इब्राहिम ऑफिशियल, अभी 1 घंटा पहले उन्होंने वो वीडियो लाइव में आके उन्होंने इतनी बातें की है। और चाहिए तो मैं उनके वो वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, क्योंकि आप लोगों को ये पता चले कि चाहे एक्टर हो चाहे झोपड़पट्टी की लड़की, फैमिली के रिलेटेड वो कुछ नहीं सुन सकती। फैमिली फैमिली होती है, और हम अपनी फैमिली के लिए क्या करते, सेक्रीफाइस करते, उसमें बेचारा बेचारी कोई नहीं होता, चाहे बेटी हो चाहे बहू हो चाहे बेटा हो चाहे कोई भी हो, बेचारा बेचारी नहीं। आप लोग मेरी भी वीडियो 2-3 डालूंगे मैं नीचे, जिसमें मैं भड़की थी, जिस वजह से आप लोगों ने बोला मुझे एटीट्यूड है, घमंड है, नहीं भाई नहीं, फैमिली के लिए लड़ने वाले लोग कभी एटीट्यूड में नहीं होते, एटीट्यूड तभी आता है जब फैमिली ने हमें बनाया होता है, और एटीट्यूड और मजबूत होता है जब फैमिली के लिए हम कुछ करते हैं। तो भाई अगर आप मुझे एटीट्यूड वाली बोलते हैं तो फिर उधर भी बोलो, अगर वहाँ नहीं बोलते तो इधर भी मत बोलो, क्योंकि दोनों फैमिली के लिए फाइट कर रहे हैं। बात खत्म, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। लेकिन आई अप्रिशिएट दीपिका कक्कड़, आई लव, मैं इतने दिन से सच्ची बोल रही हूँ, बुरा नहीं मानना, मैं एज ए एक्टर ससुराल सिमर का भी मैं फॉलो करती हूँ, और तुम मेरी फेवरेट एक्टर हो, लेकिन मैं पर्सनली तुमको जरा भी ऐसा मतलब मेरे मन में नहीं है कि मैं फ़ैन वैन हूँ, लेकिन आज इज्जत है मन में कि आप फैमिली के लिए इतना, मतलब मज़ा आ गया, मज़ा।